नमो नमः सुप्रभातम्। अद्य वयम् अनियर प्रत्ययम् पठिष्यामः। पाठ्यक्रमे अस्ति तव्यत् अनियर, प्रायशः समानः, परन्तु अद्य हम भेदस्य विषये न ज्ञास्यामः। आज हम लोग भेद नहीं जानेंगे, दोनों में क्या अंतर है। आज हम लोग सिर्फ अनियर प्रत्यय को पढ़ेंगे। अनियर प्रत्यय मैंने पहले भी बोला था, प्रत्यय एक कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय अर्थात धातु में जो लगते हैं। दूसरा तद्धित प्रत्यय है, जो धातु में नहीं लगकर संज्ञा विशेषण सर्वनाम इन सबों में लगते हैं। और तीसरा स्त्री प्रत्यय, जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाता है। तो यह कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय का अर्थ हुआ धातु में ही लगेगा। ये देखिए कृ धातु है, व धातु है, दा धातु है, लब धातु है, गम धातु है। मैंने पांच एग्जाम्पल लिए हैं। कृ जोड़ अनियर, अब देखिए करणीय, करणीया, करणीयम, ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, तीनों लिंगों में इसका शब्द बनता है। ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये नपुंसक लिंग शब्द है। करणीय पुल्लिंग, करणीय स्त्रीलिंग और करणीयम नपुंसक लिंग। तो यह कर्मवाच्य में प्रयोग होता है, कर्तृवाच्य में नहीं, कर्मवाच्य में। अभी हम इसका प्रयोग बताएंगे। दूसरा ये वद जोड़ अनियर, वदनीय, वदनीया, वदनीयम। तीसरा है दा जोड़ अनियर, दानीय, दानीया, दानीयम। चौथा है लब, लब जोड़ अनियर, लब, लबते, लभेते, लभन्ते, आत्मनेपदी का धातु है ये। लभनीय, लभनीया, लभनीयम, बहुत ही आसान है। गम जोड़ अनियर, गमनीय, गमनीया, गमनीयम। अब हम इसके उदाहरण को देखें, इसका प्रयोग कैसे होता है। कर्मवाच्य में आप जान रहे हैं कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा। यहां अस्माभिः प्रतिदिनं योगः करणीयः, यहां योग करणीय, करणीय अर्थात करना चाहिए, चाहिए के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। कोई भी जब उपदेश देते हैं तो ऐसा नहीं कहते ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। तो वो चाहिए के अर्थ में जब हम बोलेंगे किसी से, जैसे योग करणीय अर्थात योग करना चाहिए, प्रतिदिनम रोज रोज योग करना चाहिए, किसको, तो बोला अस्माभिः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, तृतीया विभक्ति बहुवचन, हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन योग करना चाहिए। अस्माभिः प्रतिदिनम योग करणीय, यहां योग शब्द पुल्लिंग है इसलिए यहां करणीय। दूसरा है भवद्भिः सर्वदा सत्यम वदनीयम, सत्यम नपुंसकलिंग शब्द है तो वदनीयम, सत्यम नपुंसकलिंग है इसलिए इसमें भी प्रयोग करेंगे वदनीयम, सत्य बोलना चाहिए सर्वदा, हमेशा हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसके द्वारा, भवद्भिः, आप लोगों के द्वारा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। या भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। इसमें ध्यान रखना है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है, एक विभक्ति एक वचन लगाए, द्विवचन बहुवचन वो स्त्री पर निर्भर है। और कर्म जो है क्या करना है, तो सत्य बोलना है, तो सत्यम ये नपुंसक लिंग है रह जाएगा, योगा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही रह जाएगा और योगा ही रह जाएगा। चौथा तीसरा देखिए शास्त्रस्य ज्ञानम सर्वैः लभनीयम, लभनीयम लव अर्थात पाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए, ज्ञानम, नपुंसकलिंग है ज्ञानम शब्द,
ज्ञानम शब्द जो है वह नपुंसक लिंग है, इसलिए लभनीयम ज्ञानम लभनीयम, ज्ञान पाना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, शास्त्रस्य शास्त्र का ज्ञान लेना चाहिए। सर्वैः, देखिए यही पर तृतीय विभक्ति लगी हुई है, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, इसको हम यहां भी रख सकते हैं यहां भी अंतिम में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें उचित विभक्ति लगानी पड़ेगी केवल। मिथ्या न वदनीया, मिथ्या शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए वदनीया न वदनीया, मिथ्या अर्थात झूठ, मिथ्या न वदनीया झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अंतिम है इतः त्वया गमनीयम, अब देखिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, यहां जहां पर कहीं कर्म नहीं हो वहां आप हमेशा नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करें, जहां पर कर्म नहीं हो वहां पर आप नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करें। इतः ये अव्यय पद है, इतः मतलब यहां से, त्वया तुम्हारे द्वारा जाना चाहिए अर्थात तुम्हें जाना चाहिए, त्वया या त्वम शब्द का तृतीय एक वचन है, गमनीयम जाना चाहिए, भवता हसितव्यम हसनीयम, भवता हसनीयम आपके द्वारा हंसना चाहिए, अब हसनीयम ये भाववाच्य के शब्द है, कर्मवाच्य में अकर्मक है ये, तो जहां भी कर्म ना हो या क्रिया अकर्मक हो वहां हमेशा आप नपुंसक लिंग का प्रयोग करें। प्रायः मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे, इसके कम से कम आप पांच क्रियापद को लीजिए मूल धातु को और इसमें अनिर्णय प्रत्यय जोड़ के उसको ऐसे बनाइए और पांच सात दस वाक्य कम से कम लिखिए। नमो नमः।